मुझे मुंबई से गोवा जाना है। ओके आपका जीएसटी नंबर देना। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके आपका टिकट। अरे मैंने बोला तो सही, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो उसने जहाँ से व्हीकल में एम्बार्क किया है वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे ही जा रही है मुंबई टू गोवा और उसने बोला कि वो अनरजिस्टर्ड है, तो क्योंकि उसने मुंबई से एम्बार्क किया है वेसल में, इसलिए मुंबई मतलब महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे ये कहाँ की टिकट बुक करवा रहा है? मुझे वड़ा पाव चाहिए। ओके जैसे बहुत ठंडा है, घर पे जाके गरम करके खा लेना। What nonsense? अच्छा ऑनबोर्ड सर्विस, तो इस केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तुझे पता है वो पैसेंजर कहाँ से एम्बार्क हुआ है? मुंबई से। लेकिन ये फ्लाइट का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था? दिल्ली। यस, तो इन केस ऑफ ऑनबोर्ड सर्विस फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इसलिए यहाँ पे ये कैटरिंग सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली। अच्छा, पर वो देख, वो शादी में आई है कि फिर नेटफ्लिक्स देखने आई है? हेलो हेलो, मैं आपके पास लंदन में मेरे स्टाफ को आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेज रही हूँ। ओके भेज दीजिए। ओके जाओ तुम। थैंक यू। वेलकम। कंपनी को कोई ट्रेनिंग लेनी थी तो उसने खुद के बिहाफ पे अपने एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया भेज दिया। मतलब फिजिकल प्रेजेंस तो चाहिए ना, तो उस केस में जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे सर्विस परफॉर्म की वो लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई? आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओ मुझे ये वेसल 45 डेज के लिए नाइट पे चाहिए। कितने दिन? 45 डेज। ठीक है, ये लीजिए चाबी। वेसल्स के लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, वेसल्स के लिए हमें जनरल प्रोविजन देखना पड़ेगा। तो फिर यॉच के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है क्या? कौन सी कंट्री से हो आप? रशिया। ओके, तो ये कल्चरल इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है? यस। ओके, मुझे एक एंट्री पास दे दो। ओके। चेक। थैंक यू। मुझे एक एंट्री पास देना। ओके।
थैंक यू। ये कल्चरल इवेंट इंडिया में हुआ है ना, तो इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ये तीनों सर्विस इंडिया के साथ साथ किसी और कंट्री में भी दी तो